दोस्तों पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया था। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता व पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस घोषणा की थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की सूचना दी है। उन्होंने वीडियो में कहा है कि हमने कैबिनेट बैठक में इस योजना का आदर्शवादी निर्णय लिया है, इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। हम पंजाब को पुरानी पेंशन योजना के तहत ला रहे हैं। सीएम भगवंत मान के अनुसार आपको बता दें कि योजना आज से यानी 21 अक्टूबर से लागू होगी। यह कर्मचारियों के लंबे समय से रुकी हुई योजना की मांग की थी क्योंकि 2004 में उन्हें ओपीएस से वंचित कर दिया गया था। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और राज्य के कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे अच्छा दिवाली गिफ्ट भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए कहा था। वहीं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि दूसरे पंजाब और पंजाब सरकार के इसी कदम को हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार में राजनीतिक बढ़त हासिल करने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता चीमा ने वादा किया था कि अगर पार्टी पंजाब में सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल कर दिया जाएगा। एक बार लागू होने के बाद राज्य कर्मचारी संघ के नेताओं के अनुसार इस कदम से पंजाब सरकार के लगभग 1.6 लाख कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।